कथा शुरू जब होते हैं आओ वीर हनुमान, आइए आसन विराजिए तेजपुरी बलवान। तो जिनकी सेवा भाव से ऋणी रहे श्री राम, ऐसे राम के भक्त को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन वसैया की, करूं क्या तारीफ उस मुरली की, मुरलीधर कन्हैया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनुसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान, पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, भगवान की कथा का ये पंचम दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं बहनाओं बुजुर्गों से करभद्र निवेदन करना चाहूँगा कि थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो और भगवान की पावनमयी कथाओं को अमृत पान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। बड़े सौभाग्य होते हैं परिचित जी, जहाँ पर भगवान की चर्चाएं होती हैं, भगवान की कथाएं होती हैं। वो गांव ही नहीं परिचित जी, जहां तक ये साउंड सर्विस की आवाज पहुंचती है वो क्षेत्र धन्य धन्य हो जाता है। और क्षमा चाहेंगे जो अभी जो अधोगति हो गई है, मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूँगा, परम पिता परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक निभाना चाहूँगा। प्रभु जहाँ हमारे भाई की आत्मा हो, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। आइए, ये परीक्षा जी सब समय होता है, समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे खर्च, समय धनवान बनावे, समय पे बाढ़े रोग, समय सब रोग मिटावे, और समय पे होवे मिलन, समय बिछुड़न करवावे। परीक्षित जी, जिस व्यक्ति का जो समय है, समय के आगे परीक्षित जी भगवान भी पेश नहीं पा पाए। तो समय बड़ा बलवान होता है। आइए ज्यादा समय न लेते हुए परीक्षित जी, क्योंकि समय कम है और दो दिन कथा नहीं हो पाई, क्षमा चाहेंगे। अभी आप लोग श्री व्यास जी के मुखारविंद से सुन रहे थे किस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र। परीक्षित जी देखिए, समय कहां, एक राजा थे और कहां परीक्षित जी भिखारी बनने को जा रहे हैं। कहने का हमारा मतलब है, समय बड़ा बलवान होता है कि सदा दिन ये पसे किसी कर गुजरते इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते एक समान समय किसी का नहीं रहता प्यारे। किन लोगों ने किया
दीवाना हो जैसा भक्त परिचय जी किसी का नहीं रहता। कभी गर्मी कभी सर्दी ये कुदरत के नजारे हैं और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे। परिचय जी हर काली अंधियारी रात के पीछे उजाला भरा सवेरा लगा होता है और हर उजाले भरे सवेरे के पीछे काली अंधियारी रात लगी होती है। सुख के पीछे दुख लगा होता है और दुख के पीछे सुख लगा होता है। कभी हमें आपको दुख देख करके नहीं घबराना चाहिए प्यारे। कोई पता नहीं है दुख के पीछे हमें आपको सुख का कब सामना करना पड़े और कोई पता नहीं है सुख देख करके हमें आपको घमंड नहीं करना चाहिए कि कब हमारे आपके जीवन में आगे दुख खड़ा हो जाए। हरिश्चंद्र महाराज अपनी पत्नी तारा से कहते हैं, तारा हम तुमसे एक निवेदन करने के लिए आए हैं। एक महात्मा जी आ गए और बात में फंस जाना ही इंसान की सबसे बड़ी हार होती है और बात से निकल जाना ही इंसान की सबसे बड़ी जीत होती है। तारा क्या हमारे साथ तुम बिक सकती हो? एक महात्मा जी ने सारा राजपाट ले लिया। तारा ने हाथ जोड़े और कहा, भगवान आपके सुख दुख में साथ निभाना ये पत्नी का पूर्ण अधिकार होता है। मैं आपकी अर्धांगिनी हूं। परीक्षित जी एक बात मैं आपको और बताऊं, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में, पति की पहचान होती है पत्नी की बीमारी में और पत्नी की पहचान होती है पति की गरीबी में और संतान की पहचान होती है पिता और माता के बुढ़ापे में। याद रखना, अगर पति के ऊपर गरीबी है और पत्नी कंधा से कंधा मिला करके तुम्हारा साथ निभाए तो समझ लेना ये हमारी सच्ची धर्म पत्नी है। और पत्नी अगर बीमार है और पति तुम्हारी सेवा करे तो देविया वो आप समझ लेना सच्चा पति हमारा सच्चा पति है जो हमारी बीमारी में साथ दे रहा है। तारा कहने लगी, भगवान आप हमसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे शरीर के ऊपर किसी और का हक हो? ना, इस शरीर के ऊपर सिर्फ आपका हक है। और तारा ने हाथ जोड़े और एक बात कही, स्वामी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? रो नहीं, मगन हो, राज चला गया चला जाने दो। याद रखना प्यारे भक्तों, एक बात मैं आपको और बताऊं, इंसान के ऊपर कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, कितने भी कष्ट आ जाएं, वो अगर घर आते ही पत्नी अगर मुस्करा दे तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्यारे मैं सभी भाइयों से सभी माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, पति के ऊपर अगर आपत्ति है मुसीबत है तो आप हंसकर के टाल ले, यही पत्नी का धर्म होता है। तारा ने एक बात कही, स्वामी जी कहने को शरीर जो हमारा है पर सब अधिकार तुम्हारा है। तारा कहने लगी, आप तो ऐसे पूछ रहे हो मानो किसी और की पत्नी हो? ना ना ना, कैसी बातें कर रहे हो? पति के वचन में को हम माने ये तो सौभाग्य हमारा है।
किसने की किया है बड़ी बात तुकड़ा तुकड़ा करवाए दीजे आवाज लगाई है तारा ने भगवन कहने को शरीर हमारा है लेकिन अधिकार आपका है। आप बेचने की बात कर रहे हो अगर शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएंगे फिर भी तारा आपके सामने कुछ कहने के लायक नहीं है। भगवान आप रो नहीं, राज चला गया तो चला जाने दो। माताओं कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को, परीक्षित जी कितना मानती थी पत्नी तारा अपने पति को। माफी चाहेंगे आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती है, बहुत मानती है, लेकिन मानती कब तक है? गिने चुने दिन, थोड़े दिन, जब तक शरीर में शक्ति और जेब में पैसा तब तक बहुत मानती है। पैसा कमाए के लाओ, उचकी उचकी जेब दिखाई देवे, बिना मांगे रोटी ले, बिना मांगे पानी ले, पाई दबाती जाती अपने मन की काती जाती, स्वामी जी लोग और टूटो दरो। हमारा मतलब ये है आज की देवियां भी अपने पति को बहुत मानती है। तारा ने कहा है भगवान मैं आपके साथ बिकने को नहीं बल्कि कटने को तैयार हूं। माताओं धन्य है वो भारत की नारी जो पति के स्वाभिमान के पीछे आज बिकने को जा रही है। परीक्षित जी तीनों प्राणियों ने अपना वेशभूषा बदल दिया और वेशभूषा क्या बनाया है? परीक्षित महाराज एक भिखारियों का भेष बना दिया। रानी को सब श्रृंगार छुटो और केवल एक साड़ी मोती है। बेटा पे एक लगोटी है, राजा पे केवल एक धोती है। तीनों प्राणी राजधानी मैया को प्रणाम करते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं। माँ इतने ही दिन तक हमारा यहाँ पर बसेरा था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। परीक्षित जी जब हरिश्चंद घर से चले भयो अवध में सोर जीव जंतु रोने लगे कोंकण लागे मोर। पशु पक्षियों के भी आंखों में आंसू आ गए। परीक्षित जी गुरु विश्वामित्र आवाज लगाते हैं, देर काय को कर रहे हो, मेरे पास में समय नहीं है, बड़े आओ। अयोध्या वासियों को समझाया है आप रोह नहीं लौट के जल्दी आ जाएंगे। आज तीनों प्राणी परीक्षित जी बिकने के लिए जा रहे हैं। जेठ की दोपहरी पड़ रही है, पैदल पैदल जा रहे हैं। जो बच्चा माँ के गोद से कभी नीचे नहीं उतरा था वो बच्चा आज पैदल जा रहा है। जो तारा फूलों की सैया से नीचे नहीं उतरती थी वो तारा आज पति के स्वाभिमान के पीछे माताओं बिकने को जा रही है। देखिए समय आगे जाकर के परीक्षित जी रोहितास को प्यास लगी तो रोहितास गिर गए, बेहोश हो गए। तारा ने आवाज लगाई स्वामी जी क्या हुआ? तारा मेरी ओर मुड़ करके देखो, मेरा इकलौता लाल था लगता है मरा जा रहा है, पानी पिला दो इसे। हरिश्चंद्र कहने लगे तारा धर्म के पीछे राज चला गया, धर्म के पीछे हम तुम तीनों प्राणी भिखारी हो गए। अगर मेरा पुत्र मरता है तो मर जाने दो लेकिन मैं धर्म नहीं छोड़ूंगा। तारा ने रोहितास से कहा रोहितास तुम तो धर्म के मल्ला बन के आए थे, तुम अधर्म में धोखा दे रहे हो। विश्वामित्र कहने लगे पिला दे पानी,
जो तारा ने हाथ बढ़ाया कमंडल को लेने के लिए, हरिश्चंद्र बोले तारा ठहर जाओ, तारा 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 कछु थोड़ी रह गई से हमारी रज तानी, तारा ठहर जा तारा, महात्मा के कमंडल का पानी नहीं पिलाना मेरे बालक को, मेरे बच्चे को पानी नहीं पिलाना तारा, तुम्हें मेरी कसम हो तारा, कछु थोड़ी ही नहीं आई से सहमारी रज शासन रहे मेरी प्यारी, जब तक शासन रहे मेरी प्यारी, अरे पीहे नाई हमनी ता सोने बेटा को बोल आगे की सीधल साथ साथ